हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर जकी जमाल और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अब ये जो नीट में 5-6 दिन रह गए हैं तकरीबन, जो कि 13 सितंबर को 2 से 5 बजे के बीच में होने वाला है, इन बचे हुए 5 दिनों के अंदर हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि हम 13 सितंबर को होने वाले नीट एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सकें। तो मैं कुछ बातें आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। काफ़ी सारे बच्चे लगातार मुझे मैसेजेस कर रहे थे, पूछ रहे थे कि सर हम किन बातों का ध्यान रखें कि जिससे कि हम इस बचे हुए टाइम को मैक्सिमम यूटिलाइज़ कर सकें। तो मुझे लगा एक छोटी सी वीडियो बनाकर सारे बच्चों के साथ बात शेयर कर लेनी चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैं अब आपको बताने वाला हूँ वो ये कि अब इस बचे हुए 5 दिनों के अंदर आपको कोई नया टॉपिक नहीं पढ़ना है, ये बात आपको याद रखनी है ना। अक्सर होता क्या है कि जो बचे हुए दिन है इसमें बच्चा करता ये है कि मैंने ये नहीं पढ़ा था, चलो इसको भी देख लेता हूँ, वो टॉपिक नहीं पढ़ा था बायोलॉजी में, उस टॉपिक को भी देख लेता हूँ। ऐसा नहीं, अब देखिए पूरा साल आपने तैयारी की और फिर इस COVID-19 की वजह से आपको लगभग 4.5 महीने और मिल गए तैयारी के लिए। अब अगर इस 1.5 साल की तैयारी में भी कोई टॉपिक आपका पढ़ने से रह गया तो अब फिर आप इस बचे हुए टाइम में 4-5 दिन में उसे पढ़ के क्या करेंगे। बेहतर ये है कि इस पूरे साल तैयारी के दौरान आपने जो भी पढ़ा था आप उसको अच्छे से रिवाइज़ कर लीजिए, कोई नया टॉपिक अब नहीं पढ़ना, एक बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि अब जब आप पूरे साल तैयारी कर रहे थे तो जैसे मैं बायोलॉजी के टीचर हूँ तो मैं बायोलॉजी को लेकर इस बात को कहूँगा, आपने हर टॉपिक के अंदर हर चैप्टर के अंदर कुछ पॉइंट्स मार्क किए होंगे कि ये बात आप भूल जाते हैं। जब आप उस चैप्टर से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगा रहे होंगे, चाहे वो NCERT बेस्ड हो या प्रीवियस ईयर के, तो वहाँ भी आपने कुछ क्वेश्चन मार्क किए होंगे। तो अब इन बचे हुए दिनों के अंदर आपको सिर्फ मार्क्ड क्वेश्चंस ही लगाने हैं, देख लेने एक बार कि उनके आंसर्स क्या हैं, क्योंकि आप वो फिर से गड़बड़ी कर सकते हो। उसके अलावा NCERT को ध्यान से देखना है सारे चैप्टर्स की, NCERT के अंदर भी वो लाइन्स जो कि आपने मार्क कर रखी हों उन लाइन्स को देखना है। हर चैप्टर के अंदर डायग्राम्स होते हैं, डायग्राम के नीचे एक छोटा सा टेक्स्ट लिखा होता है उस फिगर से रिलेटेड। हर कुछ चैप्टर्स के अंदर कुछ टेबल्स दे रखी हैं, कुछ साइंटिस्ट का जिक्र है, वो तमाम चीज़ें आपको एक बार और देख लेनी है। यानी कि कोई नया टॉपिक नहीं देखना है, सिर्फ मार्क्ड सवाल और मार्क टेक्स्ट को देखना है NCERT से। अगर आपने जो आपकी कोचिंग की कॉपी है उसके अंदर आपने कुछ पॉइंट्स मार्क्स कर रखे हैं जिन्हें आप अक्सर भूल जाते हो, आप उन्हें भी देख सकते हैं। या फिर आपने खुद कुछ अपने शॉर्ट में नोट्स बना रखे हों जिसमें कि आपने कोचिंग की कॉपी से वो पॉइंट जो कि आप गड़बड़ कर देते थे, या NCERT वो लाइन जो आप गड़बड़ कर देते थे, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो आप गड़बड़ करते आपने उनको लिख रखा, तो आप उनको भी देख सकते हैं, ठीक है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि अब इन 5-6 दिन के अंदर आपको सोशल मीडिया से थोड़ा सा दूर रहना है, जैसे कि फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप वगैरह, इनसे दूर रहना है, क्योंकि अब कोई भी नई इन्फॉर्मेशन जो कि बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त सी होगी और आपके दिमाग में गई तो फिर वो आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर सेट हो जाएगी और फिर जब आप वो एग्ज़ाम पेपर वाले दिन आपको वही चीज़ बार बार याद आ रही, कोई नई चीज़ अब आपको नहीं सोचनी ना ही दिमाग के अंदर बैठानी, ठीक है। अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखना है। अब जैसे कि मुझे तकरीबन 10 साल क्लिनिकल प्रैक्टिस करते हुए भी हो गए और मैं अब देख रहा हूँ इस पर बहुत सारे बच्चे डायरिया, वोमिटिंग के, खांसी, नज़ला, हाई ग्रेड फीवर, हेडेक, ये सब लेकर आ रहे हैं। उसकी बहुत बड़ी वजह ये है कि गर्मियाँ बाहर से आ रहे, एकदम ठंडा पानी, एकदम चिल्ड कोल्ड ड्रिंक ले रहे हैं। तो अब आपको इन बातों का ध्यान रखना है, बहुत तेज़ ठंडा पानी या कोल्ड ड्रिंक आपको नहीं लेनी है। अब एक भी दिन अगर आपको तेज़ बुखार आ गया या आपको बहुत ज़्यादा लूज मोशन वोमिटिंग हो गया तो फिर ये आपके साथ थोड़ी एक चिंताजनक सिचुएशन हो सकती है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट बात ये कि अब आपको 12 से 6 बजे के बीच में नहीं सोना है। जैसे कि आप जिस भी शहर में आपका सेंटर पड़ेगा तो जैसे 2 से 5 के बीच में एग्ज़ाम है तो ज़्यादातर बच्चे 10-11 बजे अपने रूम से निकल जाएंगे सेंटर तक पहुँचने के लिए। तो अब जो आपके 5-6 दिन हैं 12 से 6 के बीच के टाइम में आपको थोड़ा जगा रहना, एकदम अलर्ट और एक्टिव रहना, आपका जो माइंड है उसकी एफिशिएंसी काम करने की मैक्सिमम होनी चाहिए। इसलिए अगर वो बच्चे जो कि रात में लेट तक पढ़ रहे थे और दिन में थोड़ा बहुत हल्का सा सो लेते थे या लेट जाते थे, 12 से 6 के बीच में आपको बिल्कुल रेस्ट नहीं करना है, उस टाइम आपको पढ़ते ही रहना है ताकि एग्ज़ाम वाले दिन 2 से 5 के बीच में आपको हल्की सी भी नींद ना आए, ठीक है। जिस दिन आप एग्ज़ाम देने जाएंगे बहुत हल्का सा नाश्ता करके जाएंगे या कुछ फ्रूट्स वगैरह भी ले सकते हैं, बहुत हैवी मील नहीं लेना। हो सकता है आप किसी रिश्तेदार के यहाँ जाएँ और वहाँ पर वो आपके लिए बहुत हैवी सा नाश्ता बना, नहीं, बहुत हल्का सा नाश्ता करके जाना। इन बातों का आप ध्यान रखेंगे, उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से एग्ज़ाम देकर